ओके, तो हम लीड को का क्वेश्चन है फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। तो ये वाले क्वेश्चन को हम एक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसके अंदर कंडीशन दी गई है, देयर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ओनली फोर ऑपरेशन एंड वन वेरिएबल एक्स। तो इसमें चार वेरिएबल दिए रहेंगे। तो गिवन इन दिस एरिया ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिटर्न द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस। तो इसमें चार कंडीशंस दी रहेंगी जिसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय वन होगा। तो एक अरे रहेगा, अरे के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पर माइनस माइनस एक्स दिया है तो डिक्रीमेंट हुआ, और प्लस एक्स प्लस 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 और प्लस प्लस एक्स दिया है तो इंक्रीमेंट होगा। इसको सॉल्व करने की करते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेंगे जो काउंट करेगा। तो लेट काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, और हम इसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न काउंट। अब इसके अंदर हम कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम एक लूप लेंगे जो ये अरे को, ये वाला जो अरे है इसको लूप थ्रू करेगा। तो फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो, हम कहाँ तक जाएंगे, अरे की लेंथ तक जाएंगे। तो अरे की लेंथ तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, आई इज लेस देन ऑपरेशन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये हमारा लूप हो गया। हम इसमें कंडीशन डालेंगे इफ एल्स कंडीशन। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी रहेगी इफ ऑपरेशन आई इज इक्वल टू क्या प्लस प्लस एक्स, और ऑपरेशन आई इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस प्लस, अगर ये होगा तो क्या होगा, काउंट जो है वो प्लस हो जाएगा, है ना। अब सेकंड कंडीशन ले सकते हैं, एल्स इफ ऑपरेशन सेम कंडीशन रखेगी, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस एक्स और ऑपरेशन I is equals to x minus minus, तो क्या होगा count minus is equals to 1। अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। क्या एरर आती है? ओके, तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, एक इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, एक यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, एक यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है। इसको हम सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, सबमिट हो गया है।